इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेप्टल और स्प्रिंग का जो मेनली 5 है उसको हम इजीली कैसे याद करेंगे, उनका ट्रिक क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सेप्टल और स्प्रिंग का मेनली 5 क्लासिफिकेशन है, जैसे कि नाम उसका देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, ये 5 जनरेशन उसका है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो फर्स्ट जनरेशन का है उसको कैसे याद करें, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, हमको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट जनरेशन एबीसीडी में अगर आए तो क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या आता, ए आता, उसको याद करने के लिए आपका एफ ए या तो फिर पी एच ए रहेगा। जहां भी कोई भी ड्रग रहे जिसमें एफ ए या तो फिर पी एच ए लास्ट में ना शुरू में रहे, बीच में आपको अगर दिखे उस ड्रग के नेम में एफ ए या तो फिर पी एच ए, तो आपको ये समझ जाना है कि वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन का ग्रुप का वो इसका। तो थर्ड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन में थर्ड अगर है तो वो तीन होता है, तो उसमें तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ओ एन ई रहेगा, टेन रहेगा या आई एम ई रहेगा, ये तीन चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये तीन चीज अगर आपको दिखे किसी ड्रग में तो आपको ये समझ जाना होगा कि ये जो सेफलोस्पोरिन का थर्ड जनरेशन का ग्रुप का ये ड्रग है पी आई। फोर्थ जनरेशन का शॉर्टकट याद करने के लिए आपको है पाई, पी आई। अगर आपको उस ड्रग के अंदर आप देखें कोई भी ड्रग है उसको अगर सेफलोस्पोरिन का है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेफलोस्पोरिन का कौन सा जनरेशन का ये ड्रग है तो पी आई याद रखना है आपको, तो पी आई जिसमें रहेगा वो आपका फोर्थ जनरेशन। अब लास्ट वन फिफ्थ जनरेशन का देखें तो फिफ्थ जनरेशन में आपका रहेगा रोल, आर ओ एल। ड्रग के बीच में अगर आप देखेंगे ड्रग के स्प्रिंग में अगर रोल रहे तो आपको समझ जाना है कि वो फिफ्थ जनरेशन है। इसमें आपका सिफोक्सिजिन है, ये सारी चीज़ ये फोर्थ जनरेशन को आपने डेट में सेकंड जनरेशन को आपको याद करना पड़ेगा। अब हर चीज में एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सेप्ट सेकंड जनरेशन में एफ ए रहेगा, इसमें एफ ए है लेकिन ये सिफाक्लोर में क्या है, ये सेकंड जनरेशन का है। आई एम ई है, आई एम ई आपका थर्ड जनरेशन का है लेकिन इसमें दो एक ड्रग है जो कि ये सेकंड जनरेशन का है। इसी में आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि अगर मान लीजिए ये आपको दे दे और पूछ ले कि कौन सा जनरेशन है तो ये आपका दो ड्रग याद करना पड़ेगा। उसी तरह आपका थर्ड जनरेशन में दो आपका एक्सेप्शन है। ये पूरा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन है। सेफलोस्पोरिन का अब देखें तो आपको अगर मान लीजिए शॉर्ट आउट देखें समरी जिसे कहते हैं, समरी अगर देखें तो समरी में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट जनरेशन के लिए आपका एफ ए या तो फिर पी एच ए अगर देखें किसी दवाई की, मैं सेफलोस्पोरिन के ग्रुप के दवाई में, तो आपको समझ जाना कि ये फर्स्ट जनरेशन का। अगर सेकंड जनरेशन तो एवरीथिंग एल्स, और थर्ड जनरेशन में आपको 1, 10 या तो फिर आई एम ई देखे, थर्ड मतलब तीन आपको याद रखना पड़ेगा, तीन ये तीनों में से कोई एक देखे तो आपको समझ जाना है कि ये थर्ड जनरेशन है। फोर्थ में पाई और फिफ्थ जनरेशन में आपका रोल।